हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आज के इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट मैजिस के एक अल्फा अपडेट के बारे में, जिसके अंदर आपको जो इन फ्यूचर मैजिस का अपडेट आएगा ना, वो सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं, क्योंकि अभी जो है मैजिस्क बोल सकते हो कि मैजिस्क जो हाइड है ना, वो ऑफिशियली अभी डेड हो चुका है और ये चीज आपको अभी इस अपडेट के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको बताता हूं। सो वीडियो स्टार्ट करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एंड लाइक जरूर से कर सकते हो। ये है लेफ्ट साइड के अंदर मेरे पास मैजिस्क का 23.0 वर्जन, जो कि आप देख सकते हो, एंड इधर है लेटेस्ट न्यू वाला इंस्टॉल्ड, आप देख सकते हो। ये एक अल्फा वर्जन है इसका, वैसे वर्जन आपको नहीं मिलता और ऐप का वर्जन भी सेम है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों का जो फ्लैशिंग मेथड है वो सेम है। नाउ चेंजेस की बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो 23.0 के अंदर आपको जो चीजें मिलती है वो कुछ इस तरीके से टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप न्यू वाले के अंदर देखोगे तो आपको जो सुपर यूजर वाला सेक्शन है और लॉग, उसके बाद मॉड्यूल्स वाला सेक्शन है, वो डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट चेंज की बात करेंगे तो आपको 23.0 के अंदर जो यहां पे मॉड्यूल्स देखने को मिलते थे ना, आप देख सकते हो, आपको सभी जो मॉड्यूल्स है ना वो ऑनलाइन देखने को मिल जाते थे, बट इस अपडेट के अंदर आपको ये चीज नहीं मिलती, जो आपके मॉड्यूल्स है ना वो आपको यहां पे नहीं मिलेंगे, जो कि आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चेंजेस की बात करेंगे तो आपको यहां पे ना अभी के लिए जो है इस मैजिस के अंदर कोई भी मैजिस्क हाइड का इनेबल करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप देख सकते हो यहां पे ये है 23.0 वाला, एंड अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है मैजिस के अंदर मैजिस्क हाइड का ऑप्शन, बट अगर आप यहां पे देखोगे ना तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। यहां पे ज़ाइजिक्स आ चुका है, जो कि आप देख सकते हो, इसको इनेबल करना होगा, उसके बाद आपको एनफोर्स डिनाई लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां पे ये जो चीज है ना, ये टोटली डिफरेंट है मैजिस्क हाइट से, दोनों के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस आपको मिल जाता है, बट हां आपको कुछ इस तरीके से ये अपडेट देखने को मिल जाता है, जो आपका मैजिस्क हाइट है ना वो कंप्लीटली डेड हो चुका है और ऑनलाइन मॉड्यूल्स है ना वो कंप्लीटली डेड हो चुके हैं, तो आपको थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना होगा। इवन अगर आपका डिवाइस यहां पे नॉट सर्टिफाइड है ना, तो देखते हैं कि आपका जो बैंकिंग एप्स है वो वर्क करते हैं या फिर नहीं, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो आपका सेफ्टी नेट है ना इस मैजिस के साथ, वो आपका यहां पे जो ना फेल्ड ही रहने वाला है, बट चेक करते हैं कि आपके जो है यहां पे बैंकिंग एप्स वर्किंग है या फिर नहीं। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है ज़ाइजिक्स वाला ऑप्शन, इसको इनेबल वैसे मैंने कर रखा है, अभी के लिए इसको वैसे ऑफ कर देते हैं। तो चेक करते हैं सबसे पहले बैंकिंग एप्स आपके वर्क करते हैं या फिर नहीं, तो मैंने लेटेस्ट वाला ये डाल रखा है अल्फा वर्जन, और यहां पे देखोगे पेटीएम मैंने जैसे ही इनेबल किया तो यहां पे रूट वाला ऑप्शन आ चुका है, और बाकी बैंकिंग एप्स वगैरह या फिर कोई और ऐसे जूम वगैरह ऐप है ना, उसके अंदर भी आपको ये दिक्कत आएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूं। ज़ाइजिक्स को ऑन करना है, यहां पे एनफोर्स डिनाई लिस्ट को इनेबल करना है, इसके बाद आपको कॉन्फिगर करना है डिनाई लिस्ट को, इसके अंदर आपको यहां पे जो ना आपका कोई भी जो है ऐप है ना इसको ऑन कर देना है, कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा, और नेक्स्ट आपको जो स्टेप करना है ना वो है मैजिस्क हाइड का, ना कि मैजिस्क हाइड, वो अलग चीज है, मैजिस्क ऐप को हाइड करना वो अलग चीज है, इसको ओके करेंगे। कोई भी आप रैंडम नेम देख सकते हो जो हमने पहले ट्राई किए थे, मेथड सेम है, बट यहां पे जो है मैजिस्क ऐप को हाइड करना होगा, और ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आपका हाइड हो जाएगा। ना हमारा जो मैजिस्क ऐप है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस अभी देखने के लिए मिल जाता है। सेटिंग नेम से इसको हाइड किया था और सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा आ चुका है वापस। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये जो पेटीएम है इसके अंदर वो चीज आती है या फिर नहीं, तो देख सकते हो फिर से पेटीएम बैंक के ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, रूटेड वाली चीज आपको फिर भी देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को करने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपका पेटीएम का डेटा है इसको क्लियर कर देना, क्लियर करने के बाद फिर से आप जब यहां पे ट्राई करोगे ना तो ये आपका वर्क करने लग जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये यहां पे हमारा जो है हाइड हो चुका है, बट फिर भी यहां पे जो है बैंकिंग एप्स अभी वर्क नहीं करते, अटेस्टेशन भी फेल्ड है, तो यहां पे आपको जो है इसका क्लियर डेटा करना होगा वो सब चीजें करने के बाद, और देन आप यहां पे जो है बैंकिंग एप्स को यूज कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलता हूं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।